हमारी प्रमुख डिमांड यह है कि जिन लोग सफाई कर्मचारी की भर्ती मस्टरों के आधार पर की जाए, जिन लोगों ने नगर निगम नगर निकायों में कार्य किया है, ठेके पर कार्य किया, उनको प्राथमिकता दी जाए, जिन लोगों के कोर्ट केस विचाराधीन है लंबित है उनको सफाई कर्मचारी की भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, वाल्मीक समाज को प्राथमिकता दी जाए, आचार संहिता की आड़ में ये सफाई कर्मचारी की भर्ती रोकी ली जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे है। अगर ये मांगे पूर्ण नहीं होती है तो जिस तरीके से राजस्थान में सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, आने वाले टाइम में सभी वाल्मीक समाज के लोग जो होटलों में अस्पतालों में या और कहीं भी कार्य करते हैं, घरों में कार्य करते हैं, वो सब लोग हड़ताल पर जाएंगे। कब तक हड़ताल रहेगी ये? जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तब तक सफाई कर्मचारी इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। ये लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों आपको याद आया? चुनाव से पहले क्यों याद आता है? 4 तारीख से आज जो सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है, 4 तारीख के बाद हमने 7 तारीख को निदेशक महोदय को ज्ञापन दिया है, 3 दिवस का, 3 दिवस का ज्ञापन देने के पश्चात हमने आज से हड़ताल की घोषणा की है। तो हमें जब लॉटरी की पद्धति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तभी से हम निदेशक महोदय से निवेदन कर रहे थे कि सफाई कर्मचारी की भर्ती लॉटरी से की जा रही है, वो बिल्कुल गलत है, आप लोगों ने हमसे जो समझौता किया समझौते के आधार पर भर्ती कीजिए, परंतु निदेशक महोदय इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे और अपनी मनमानी करते हुए लॉटरी पद्धति से सफाई कर्मचारी की भर्ती कर रहे हैं, 2018 की तरफ से सफाई कर्मचारी की भर्ती कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, बाल्मीकि समाज के साथ अन्याय है।